गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स, सब्जेक्ट संस्कृत, चैप्टर फर्स्ट वंदना। प्यारे बच्चों, जब हम कोई भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम उस ईश्वर की वंदना करते हैं। इस चैप्टर में भी ये दो बच्चे उस ईश्वर की वंदना कर रहे हैं। आइए देखिए वंदना कैसे कर रहे हैं। ओम शं नो मित्र शंभरुण शं नो भवत्वमव्यम शं नो इंद्रो बृहस्पति शं नो विष्णु शरुक्रम। ओम शांति शांति शांति। और इधर देखिए आप, उपवनम अति रमणीय
उपवनम बगीचा। अति बहुत रम्य सुंदर आसीत था बगीचा, बहुत सुंदर था। सर्वथा खगानाम मधुरम करुणम अभवत्। सर्वत चारों तरफ या सभी जगह पक्षियों का खगानाम पक्षियों का मधुरम मधुर करुणम गुंजार अभवत् हो रहा था। चारों तरफ पक्षियों का गुंजार हो रहा था। पुष्पाणी एविक्षन फूल खिले नहीं थे, एविक्षन खिले नहीं थे, पुष्पाणी फूल फूल खिले नहीं थे। तातु देवदत्त है आखिताय उपवनम अगच्छत। तातु वहां या वही देवदत्त है, देवदत्त आखिताय शिकार के लिए उपवनम बगीचे में आगच्छत आया। वहां देवदत्त शिकार के लिए बगीचे में आया। देवदत्त है तदेव एक हंस शरण शरीर अविदत्त शरीर। देवदत्त ने तभी एक हंस को बाण से वीर दिया। शरीर बाण बाण से वीर दिया। बाणे विधे से हंस मुहो है पतर। बाण से घायल वह हंस भूमि पर गिर गया। सिद्धार्थ ताम विदता हंसम उत्थाय पेड़ अंके नियंत्रित। सिद्धार्थ ने उस घायल हंस को उठाकर गोद में बैठा लिया। सताम हंस जलम अपायत अललायत चे। उन्होंने उस हंस को जल पिलाया और प्यार दिया। अललायत यानी प्यार किया। तदे देवदत्ते अपि सिद्धार्थस्य समीपम् आगच्छत्। तभी देवदत्त भी सिद्धार्थ के पास आया। हंस हंस चे अयाचत, अयाचत में मांगा और हंस को मांगा। सिद्धार्थ है प्रत्यय बदत। सिद्धार्थ ने उत्तर दिया इदम हंसम अहम तुभ्यम न दास्यामि, यह हंस मैं तुम्हें नहीं दूंगा। यथ तम हंस से घातके असी, क्योंकि तुम हंस के हत्यारे हो, घातके हत्यारे हो। अहम चे अस्य रक्षक अस्मि, और मैं हंस का और मैं इसका रक्षक हूँ। अतः अयम हंस ममेव, अतः हंस मेरा ही है। तदा तयो मध्य विवाद है जाते, तयो उन दोनों के मध्य बीच में, तदा तब तब उन दोनों के बीच में विवाद हो गया। अतः तौ दो अपि नपस्य समीपा उपागच्छताम, अतः वे दोनों भी राजा के पास गए। देवदत्त नृपाय सर्व वृतांतम अकथयत। देवदत्त ने राजा को सारी कहानी बताई, यानी सारा वृतांत बताया। सिद्धार्थ अपि निष्पक्षम एवं एवं एवदत्त। सिद्धार्थ ने भी अपना पक्ष रखा। तयो वचनम श्रुत्वा नृप राजसभाया मध्य हंस स्थापयत अवदत् च। तयो उन दोनों के वचनम वचन श्रुत्वा सुनकर नृप राजन, उन दोनों के वचन सुनकर राजा ने राजसभा के बीच हंस को रखा। अवदत् च और कहा यस्य समीपे अयम हंस यस्य समीपे गमिष्यति दश्येत से भविष्यति, यह हंस जिसके पास जाएगा तस्येत से भविष्यति वह उसका होगा। दरबारस्य दृश्यम अति रुचिकर कम आसीत।
इस प्रकार का दृश्य अत्यंत रोचक था। सर्वे सभासदा इदं अवलोक्य चकिता अभवन्। सभी सभासद यह देखकर चकित हुए कि हंस चलकर यद हंस चलित्व सिद्धार्थस्य अंके वा विषय कि हंस चलकर सिद्धार्थ की गोद में बैठ गया। अंके कहते हैं गोद को। निर्णय निर्णय एदत राजा ने निर्णय दिया एदत दिया अयम हंस सिद्धार्थस्य अस्ति सह स्वयं नयन। यह हंस सिद्धार्थ का है। सह स्वयं नयन इसलिए ले सह वह स्वयं अपने आप वह स्वयं ले ले। अब आप इसकी एक्सरसाइज कीजिए। अभी हमने आपको चैप्टर पढ़ाया, अब आप इसकी एक्सरसाइज करेंगे। पहले एक्सरसाइज है सही कथन पर सही का निशान लगाइए। सही कथन पर आपको सही का निशान लगाना है। पहला है सुद्धोधनस्य राजस्य नाम आसीत। यानी कि सुद्धोधन के राज्य का नाम था। यानी कि सुद्धोधन के राज्य का क्या नाम था? अब आपको बताना है पाटलिपुत्र मगध विदेह इनमें से जो भी सही हो उस पर आपको टिक लगाना है। तो सही है पाटलिपुत्र। सेकंड देखिए सुद्धोधनस्य पुत्रस्य नाम आसीत। सुद्धोधन के पुत्र का नाम था। क्या नाम था सुद्धोधन के पुत्र का? देवकर सिद्धार्थ हरिदत्त। अब आप बताइए सुद्धोधन के पुत्र का नाम क्या था? सिद्धार्थ है। हंस है तस्य अंगे उपाविशत। हंस तस्य इसकी अंगे गोद में उपाविशत बैठा था। हंस इसकी गोद में बैठा था। देवदत्तस्य देवदत्त की, सुद्धोधनस्य सुद्धोधन की, सिद्धार्थस्य सिद्धार्थ की। तो हंस सिद्धार्थ की गोद में बैठा था। इसका सही आंसर होगा सिद्धार्थ। हंस है सिद्धार्थस्य अंके उपाविशत। फोर देखिए कै हंसा देवदत्त। इसने हंस को बीधा। देवदत्त ने सिद्धार्थ ने सुद्धोधन ने। इसका सही आंसर है देवदत्त। देवदत्त हंसा देवदत्त। नेक्स्ट है आपके कोष्ठक में से सही शब्द कोष्ठक में से उचित शब्द छांटकर विस्तार भरिए। आपके इसमें ये वर्ड दिए हुए हैं इसीमें से आपको जो भी सही हो वो इसमें आपको फिल करना है। फर्स्ट है हंस अंके उपाविशत। हंस इसकी गोद में बैठा था। सिद्धार्थस्य देवदत्तस्य तो इसका सही आंसर होगा सिद्धार्थस्य। सिद्धार्थ की गोद में। नेक्स्ट है हंस एडर। हंस को किसने बीधा था? सिद्धार्थ ने देवदत्त ने। तो इसका सही आंसर होगा देवदत्त। देवदत्त पर टिक लगाना है। थर्ड नृपस्य नाम सॉरी पुत्रस्य नाम आसीत। पुत्र का नाम था क्या? देवदत्त है सिद्धार्थ है। पुत्र का नाम सिद्धार्थ था। तस्य नृपस्य एक है। तस्य उस नृपस्य राजा का एक है पुत्र था या पुत्री थी? उस राजा का एक पुत्र था। पुत्र में लगाता है आपको। अब नेक्स्ट देखिए थर्ड सत्य कथन पर सत्य तथा असत्य कथन पर आपको असत्य का निशान लगाना है। फर्स्ट है शुद्धोधन मग्ध है राजस्य राजा आसीत। शुद्धोधन मगध राज्य का राजा था। तो आपको बताना है शुद्धोधन मगध का राजा था या पाटलिपुत्र का राजा था? तो ये सही है या गलत? तो ये वाला हमारा
रॉन्ग आंसर है, तो इस पर हम गलत का निशान लगाएंगे। सेकंड है हंस है सिद्धार्थ से अंकित उपविशद, हंस सिद्धार्थ की गोद में बैठा था या देवदत्त की गोद में बैठा था। अब आप ये सही हो तो सही पर लगा दीजिए, गलत हो तो गलत पर, तो ये आपका सही है। हंस सिद्धार्थ की तो गोद में बैठा था, सही है। देवदत्त हंसे शरण शरण है विदर्भ, देवदत्त ने हंस को तीर से बीता था, सही है या गलत है? तो ये हमारा सही है, देवदत्त ने ही हंस को तीर से बीता था। फोर है देवदत्त है सुद्धोधन से भ्रातर आसीत, देवदत्त सुद्धोधन का भाई भ्रातर भाई था, तो ये भी सही है, उसका चचेरा भाई था।
बंद करो।